हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, AIR, TU और SECR TA के द्वारा 3 अगस्त 2022 को एक बहुत बड़ा ट्यूट अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों, जो रेलवे में चुनाव नहीं हो रहा है, लगभग चुनाव का कार्यकाल 3 साल पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हो रहा है। इसी विषय को लेकर के ट्यूट अभियान को चलाया जा रहा है। तो आप सभी दोस्तों से यह आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक इस ट्यूट मुहिम में भाग लेंगे और इस ट्यूट मुहिम को सफल बनाएंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे जो भी चुनाव होता है, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, या राष्ट्रपति चुनाव हो, या पंचायत चुनाव हो, 5 साल के बाद चुनाव होता है। और दोस्तों, यह कैसा लोकतंत्र है कि जो रेलवे कर्मचारी के ऊपर नहीं लागू होता है, और रेलवे में क्या यह लोकतंत्र का फॉलो नहीं हो रहा है, और रेलवे में समय पर चुनाव नहीं कराया जा रहा है। आपने देखा था कि जब कोरोना पीक पर था, उस टाइम बिहार में विधानसभा चुनाव करा लिए गए। दोस्तों, इस नेता लोग का चुनाव तो नहीं रुकता है, और जब रेलवे कर्मचारी की कुछ मांगों की पूरा होने की बात आती है, जब रेलवे कर्मचारी की अधिकार की बात आती है, तो चुनाव को रोक दिया जाता है। यह भारत सरकार की और रेल मंत्रालय की बहुत ही गलत मंशा है। तो मैं रेल मंत्री और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी से भी यह निवेदन करता हूं कि सर, इस लोकतंत्र को बचाइए। और इस लोकतंत्र के बचाने के क्रम में रेलवे में जो बहुत दिनों और इसी लोकतंत्र के आधार पर रेलवे में भी जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जो अभी सत्ताधारी यूनियन है, वह पूरी तरह से घमंडी हो चुके हैं। वह है यह सोच रहा है कि मैं तो अब हमेशा के लिए जीता रहूंगा। वे लोग कर्मचारियों की मांग को पूरी नहीं करवा रहे हैं, उनके अंदर यह घमंड भर चुका है। इसीलिए रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री से यह निवेदन है कि कर्मचारी की भविष्य को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए, आप रेलवे में चुनाव की घोषणा जल्द से जल्द करवाइए। अंत में आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि 3 अगस्त 2022 को इस ट्यूट मुहिम को अधिक से अधिक सफल बनाएंगे। दोस्तों, आप अपने DTM में जो भी हमारे पुराने साथी हैं, आप उनको भी ट्यूट के बारे में बताएंगे और सभी के प्रयास से इन ट्यूट अभियान को सफल बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय ट्रैकमैन।